तो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड मेरा नाम रोहित कुमार है और स्वागत है मेरे नए ब्लॉग के साथ। आज के ब्लॉग में हमारे सामने खड़ी है एक उल्टे सिस्टम वाली जो बुलेट 350 पुरानी आती है। ये है कम से कम, मतलब इसका जो मॉडल है 1999 में बताया गया था मेरे लिए, तो ये मॉडिफाई हुई है दुकान पर, तो इस वजह से यहाँ पर खड़ी थी। तो मैं सोच रहा था कि इसका ब्लॉग बना लिया जाए और आपको भी दिखा दी जाए एक ओल्ड मॉडल, मतलब ओल्ड मॉडल की जो बुलेट आती है उसको। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ फ्रंट से। फ्रंट में स्पोक व्हील है इसमें और टायर भी नए डाले हुए हैं इसमें। और देखो ब्रेक वही ओल्ड वाली हैं और शॉकर्स में ये भी डाले गई हैं क्योंकि ये मॉडिफाई हुई है। देखो नाइफ की रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ है इस पर, फुल्ली लोहा है भाई। और इधर देखो ऐसा कुछ लुक आ रहा है इसका। हेडलाइट चेंज की हुई है एलईडी डीआरएल्स में, पुरानी वाली में आती है हेलोजन आती है देखो, और अब भी हेलोजन ही आ रही है, बदलवा लेते हैं। और ये जो इंडिकेटर हैं हजार लाइट वाले इंडिकेटर हैं एलईडी वाले, जो ब्रेक पे है रेड एंड हजार लाइट जलती है इनों में, तार कुछ निकले हुए हैं इसके। और देखो मीटर कंसोल दिखाता हूँ आपको, ये जो हैंडल का टाइप है इसका, जो कबीर सिंह की बाइक है उस जैसा बना हुआ है। देखो इसको मीटर कंसोल आपको मैं दिखा देता हूँ, ये इसकी चाबी, निकल जा, चाबी बदली गई तेरे भाई, चाबी बदली गई है इसकी, शायद ऐसी नहीं आती होगी, मुझे पता नहीं है, चाबी तो बदली गई है इसकी। अरे लग जा भाई, उन्होंने अपना नाम लगवाया हुआ है इस पर। और टंकी देखो आप, टंकी मतलब अब वाली जो बाइक आ रही है उससे पतली है, मतलब जो वाइड नहीं है इतनी, जो अब जो न्यू जनरेशन्स की बाइक जो रॉयल इनफील्ड की आ रही है उनसे थोड़ा वाइड नहीं है, ये दिखाता हूँ देखो। लेकिन इसका जो इंजन है ना वो बहुत ही ख़तरनाक लग रहा है, उधर से दिखाऊंगा ना आपको, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लगेगा इसका इंजन। और बुलेट 350 लिखा हुआ है, ये अभी निकली हुई है वायर वायर इसकी। और जो इंटरेस्टिंग होता है, मतलब ओल्ड लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होता है इसमें, इधर वाली ये वाली, ये जो ब्रेक है इसकी, देखो दिखा के देखो, ये वाली जो ब्रेक है, और इधर पीछे कुछ ऐसा लुक है इसका। अभी टेल लाइट लगी नहीं हुई है, इंडिकेटर लगे हुए हैं, इसमें से शीशा निकला हुआ है देखो है। और इधर का लुक उधर के जैसा ही है सेम, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और ये भी लिखा हुआ है इन्होंने खुद ने लगाया हुआ है जो मॉडिफाई कर रहे हैं इसको। और इसमें सॉल्ट वाटर लगाया हुआ है देखो, बहुत ही ज़्यादा काफ़ी लाउड आवाज़ आ रही होगी इसकी, लेकिन अभी ये थोड़ी स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट करेंगे उसके बाद आपको मैं आवाज़ भी सुना दूंगा। देखो इधर से इसके इंजन का लुक ना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक आता है देखो भाई। और ये रही इसकी किक, ये रहे गियर्स, तो इधर से ना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक लगती है ये वाली बाइक। मेरे सामने खड़ी थी तो मैंने सोच लिया कि इसका ब्लॉग बनाया जाए। देखो अंदर से दिखा देता हूँ आपके लिए, आज थोड़ी आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि मैं धीरे बोल रहा हूँ। अब मेरे को इसका सिस्टम तो पता नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना ख़तरनाक इंजन लग रहा है भाई। अब वाली जो इंजन वाली, मतलब अब जो आ रही है उससे तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक इंजन लग रहा है इसका, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा क्योंकि ओल्ड मॉडल की बुलेट है, तो इसलिए इसमें पावर अब वाली जो आती है उससे ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल तो मैंने आपको दिखा दिया है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, दोबारा बोल रहा हूँ। और ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर कर देना। देखो आपको 360 व्यू और दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल कबीर सिंह की बाइक लगेगी ये, टोटली कबीर सिंह की बाइक बनाई हुई है इन्होंने। तो करते हैं अपने ब्लॉग का एंड, और
मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट और शेयर कर देना इस वाली वीडियो को, क्योंकि औरों को भी पता चले कि कैसी लगती है जो ओल्ड मॉडल बुलेट आती है। तो इंतज़ार करते रहिए नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।